हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही लंबा अरसा बीत गया है कोई भी नया वीडियो अपलोड किए हुए। एंड टू माय सरप्राइज, मैं ऑनेस्टली ये सोच रहा था कि किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ ना करूँ, कितने टाइम में अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन आप में से कई लोगों के कमेंट में सवाल आ रहे थे, ईमेल्स आए, डीएम में लोग पूछ रहे थे कि मैं कोई नया वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रहा हूँ। और बेशक ये एक स्पेशल टॉपिक बनता है, इसके ऊपर हम आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो शुरू करें उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, द चैनल हैज़ क्रॉस्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स। इनफैक्ट सिल्वर बटन भी आ चुका है और मुझे आप लोगों को थैंक करने का मौका नहीं मिला अभी तक। सो थैंक यू एवरीवन, जो भी इस चैनल से इतने वक्त से जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से इस चैनल ने ये माइलस्टोन क्रॉस किया है और उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसकी वजह से आपने ये वीडियो खोला है, माय कनेक्शन विथ इसरो एंड चंद्रयान। काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है और बिल्कुल भी क्लिक बेट नहीं है ये वीडियो। आई एक्चुअली हैव अ वेरी डीप कनेक्शन विथ बोथ इसरो एंड चंद्रयान। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आई डोंट नो वेदर आप ढंग से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। मैं काम करता हूँ, आपको अंदर ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ पोलर कवरेज ऑफ TMC एंड HiSea डेटा फ्रॉम चंद्रयान 1 एट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो। और जिसका ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप उसका नाम ज़रा, हाँ आप पढ़ सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू तो एक म्यूजिशियन है तो क्या कर रहा था इसरो में, उसी के ऊपर आज का वीडियो है। मेरी लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है दर्शित नायक। मैं हूँ एक इंडिपेंडेंट सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक एंड वीडियो प्रोडक्शन फ्रीलांसर, अहमदाबाद गुजरात से। और इस चैनल पे हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं माय जर्नी ऑफ मेकिंग इट बिग इन म्यूजिक इंडस्ट्री ऑन माय ओन विदाउट एनी गॉडफादर। आज के वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ साल 2010 में, मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का फाइनल सेमेस्टर। हाउ डिड आई गेट इनटू इसरो? वेल, ऐसा होता था कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है इसरो के किसी एम्प्लॉय के साथ, या फिर आप अपने कॉलेज के टॉपर्स में से हैं, तो आपको चांस मिलता है इसरो में इंटर्नशिप करने का फॉर 4 मंथ्स to 6 मंथ्स। एंड आई वाज वन ऑफ द रैंकर्स ऑफ माय कॉलेज। तो मुझे इसरो के जो अहमदाबाद का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ पे 4 महीने के लिए इंटर्नशिप करने का मौका मिला था। वेल, मैं रैंकर ज़रूर था, लेकिन मैं उन रैंकर्स में से नहीं था जो पूरा साल मेहनत करके और लगन से पढ़ के रैंक लाते थे। मैं जो एग्ज़ाम से पहले 1 महीने का रीडिंग वेकेशन पढ़ता था, तो मैं पूरा साल तो आराम से चिल करता था, और वो लास्ट 1 महीने के दौरान सारी तैयारी करके आई यूज़ टू समहाउ बी इन top 2, top 3। और अगर कोई एक चीज़ हो जिससे मुझे सख्त नफरत थी, वो थी कोडिंग। जितनी भी लैब के पीरियड्स आते थे, मैं वहाँ पे जाके बस एसी की ठंडी हवा खाने के लिए जाता था और अपने उन दोस्तों के पास बैठता था जो कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, और लैब के एंड में उनसे टाप के प्रोग्राम लिख दिया, फाइल सबमिट कर दी और उसमें भी अच्छे मार्क्स ले आए। तो ये सीन था। और जा रहे हैं इसरो में, वहाँ पे पहले दिन HR डिपार्टमेंट में जाना होता है, जहाँ पे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, बेस्ड ऑन दैट आपको डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाता है। तो मेरे मुंह से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट निकल गया, इमेज प्रोसेसिंग। तो मुझे जिस डिपार्टमेंट में डाला गया, वहाँ पे चंद्रयान 1 का डेटा, उसके ऊपर काम चल रहा था। इनफैक्ट वहाँ पे तो ऑलरेडी चंद्रयान 2 का काम शुरू हो गया था 2010 में, बट मुझे जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, दैट वॉज ऑन डेटा विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम चंद्रयान 1। मेरे डिपार्टमेंट का नाम था SPDCG, सैटेलाइट फोटोग्रामेट्री एंड डिजिटल कार्टोग्राफी ग्रुप। इसका मतलब तो दूर, ये फुल फॉर्म याद रखने में आई डोंट नो मुझे कितना वक्त लगा था। तो मैं गया अपने डिपार्टमेंट में, मुझे मिलाया गया मेरे जो एक्सटर्नल गाइड थे उनसे, नविता मैम, और मैम ने मुझे प्रोजेक्ट डेफिनेशन दी जो कि मेरे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। मैं बस अपनी मुंडी अच्छे से हिला रहा था कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे सब समझ में आ रहा है। बट द ओनली थिंग दैट आई अंडरस्टूड वॉज दैट मुझे जावा, विच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मुझे जावा में कोडिंग करना है। कोडिंग से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा 36 का आंकड़ा था, और उसमें भी जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो मैं इंटेंशनली पूरी ज़िंदगी अवॉइड करता रहा कि बकवास है, मैं ही नहीं कर रहा। पहले दिन से ही काम मिल गया, मुझे बोला कि 6 लाइन का एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको लिखना है इमेज रीड करने का। आई नो इट्स गेटिंग अ बिट टेक्निकल, आप में से कई लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं हैं और आपको नहीं पता लग रहा होगा क्या बोल रहा हूँ,
अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ तो मान लीजिए प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें आपको गाना गाना है बिनते दिल या फिर आयत या फिर लाल इश्क उस लेवल का, और आप वो हैं जिससे एक सुर भी नहीं लगता, और जो पहले दिन काम दिया हुआ है वो है बस सा लगाने का, और मुझसे वो 6 लाइन का प्रोग्राम भी नहीं लिखा गया। पीछे से मैम देख रहे थे, शी गॉट टू नो कि इसको कुछ भी नहीं आ रहा है, और पूछा उन्होंने कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। एंड आई टोल्ड ऑनेस्टली कि मैम प्रोग्रामिंग तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है और जावा तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उन्होंने एक लुक दिया, परहैप्स उन्हें नज़र आ रहा था कि आगे आने वाले 4 महीनों में मेरी क्या हालत होने वाली है वहाँ पे। तो मैम ने पूछा मुझसे कि लाइब्रेरी का कार्ड मिला है, मैंने बोला हाँ मैम मिला हुआ है। तो बोले जाओ लाइब्रेरी में, जाओ जावा पढ़ना शुरू करो, प्रोजेक्ट तो ठीक है, एटलीस्ट यहाँ से जावा लैंग्वेज तो सीख के जाओगे, कंप्यूटर इंजीनियर बनने वाले हो तो एटलीस्ट वो तो आपके काम में आएगा। पहला दिन जैसे तैसे ख़त्म हुआ, और जब मैं वहाँ से निकल रहा था आई ऑलमोस्ट हैड टीयर्स इन माई आईज, नॉट बिकॉज इंसल्टेड फील हुआ या ऐसा कुछ, बट एक वजह थी जिसकी वजह से मैं पढ़ाई में अच्छा करना चाहता था, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट आउटपुट देना चाहता था। मेरे मदर ने मुझे अकेले बड़ा किया है। जब मैं 10 साल का था तब मेरे पिताजी का इंतकाल हुआ, उसके अगले साल आई लॉस्ट माई यंगर ब्रदर हु वॉज जस्ट 4 ईयर्स ओल्ड। फाइनेंशियली हम लोग इतने वेल ऑफ नहीं थे, माई मदर वॉज अ हाउस वाइफ, उन्होंने उसके बाद जॉब ली, तो फैमिली में बाकी सबको इतनी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से, और क्योंकि मैं इंटेलिजेंट भी था, पढ़ाई में अच्छा भी था, हालांकि मुझे इतना मज़ा नहीं आता था, बट आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, सो पीपल इन जनरल, नॉट माई मॉम, पीपल इन जनरल वर एक्सपेक्टिंग के ये इंजीनियर बनेगा, फिर फर्स्ट सैलरी अच्छी होगी, उसके बाद इनको जो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं उसका सोल्यूशन आ जाएगा। हाउएवर आई न्यू के दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट असाइनमेंट, एनीथिंग विच हैज़ गॉट टू डू विथ इंजीनियरिंग, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ये तो पता नहीं था कि कैसे करूँगा म्यूज़िक, एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, बट इतना ज़रूर पता था कि मैं कोई भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं करने वाला, कहीं पे भी जाके इंटरव्यू नहीं देने वाला। और ये बात भी मैं अच्छे से जानता था कि जब भी मैं बाकी फैमिली के सामने ये अपनी डिज़ायर रखूँगा कि मैं म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, और अगर एकेडमिकली मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता और फाइनल सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं होते, तो शायद मेरी मम्मी को क्वेश्चन किया जाता कि आपने ध्यान नहीं दिया अपने बेटे का, देखो पढ़ाई में तो कुछ कर नहीं पाया और अभी हीरो बनने के लिए चला है। इट हैड टू बी लाइक दिस, के डंके की चोट पे अपन इंजीनियरिंग ख़त्म करके बाद में म्यूज़िक कर रहे हैं। उस दिन पहली बार काफ़ी डीमोटिवेटेड फील हुआ कि आई वोंट बी एबल टू यू नो एंड माई इंजीनियरिंग करियर ऑन अ हाई, लेकिन फंसा भी ऐसी सिचुएशन में था कि आई हैड नो अदर ऑप्शन, आई हैड टू गो देयर फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने मुझे वहाँ पे बिताने ही थे और कुछ और करने को था नहीं, पूरा दिन मैं कंप्यूटर की स्क्रीन स्टेयर करता रहता था। तो पहले 2-3 दिन तो मैंने ऐसे ही निकाले, फिर मैंने सोचा एटलीस्ट थोड़ा बहुत ट्राई तो करते हैं, अब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, जो भी थोड़ा बहुत हो अपने लिए तो पॉजिटिव ही है। और अब जो चीज़ हुई उस इंसिडेंट ने मेरा माइंडसेट हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया, एंड दैट थिंग इज़ हेल्पिंग मी इवन टिल टुडे। दैट वॉज टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट्स, जो कि आप सॉल्व कर सको विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म्ड, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में एक साथ सोचने के बजाय जो आपके पास टास्क है सामने सिर्फ उस पे ध्यान दिया जाए और एक दिन का टारगेट रखा जाए कि आज जाते जाते मैं एटलीस्ट इतना सॉल्व करके जाऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हुई कि मैंने पहली बार अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लगवाया, वी कुड नॉट अफोर्ड इट बिफोर, और वजह ये भी थी कि पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होता था और बाकी सब साइंटिस्ट लोगों को भी उनको जब काम पड़ता था तो दे हैड टू यूज़ इट एंड यू हैड टू लीव द कंप्यूटर फॉर देम। तो ऐसे में मुझे लगा कि अगर मुझे डीप में जावा की स्टडी करनी है, इमेज प्रोसेसिंग की स्टडी करनी है, तो आई नीड इंटरनेट, अ गुड इंटरनेट कनेक्शन स्पीड। तो घर पे लगवाया, और पहली बार ऐसा होता था कि मैं काम से जाके घर पे जाके भी पढ़ाई का ही काम कर रहा हूँ, एंड आई स्लोली स्टार्टेड एन्जॉइंग द प्रोसेस, बिकॉज पहले 10-15 दिन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि मुझे day 1 पे लग रहा था कि मैं कभी सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, और विद इन 15 डेज आई कुड सॉल्व सम ऑफ देम। और नमिता मैम की भी सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मुझे day 1 पे कोई किसी दूसरे का किया हुआ प्रोजेक्ट नहीं बताया कि एंड में तुम्हें इतना बड़ा कोड लिखना है, अदरवाइज वो देख के तो शायद मैं नर्वस हो जाता और बिल्कुल भी नहीं कर पाता। इट वॉज अ ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके ले जाता था और उसके बेस पे मैम ये असेस करते थे कि अच्छा अब इसको इतना आता है, सो नेक्स्ट टास्क इसको इससे थोड़ा अप देती हूँ। प्रोजेक्ट का एंड आते आते आई एम श्योर मैम तो सरप्राइज हुई होंगी कि ये कैसे सब कर पा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोई सरप्राइज था वो था मैं खुद, बिकॉज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ना सिर्फ
जो मुझे प्रोजेक्ट डेफिनेशन डे वन पे दी गई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी, बल्कि और 10-15 दिन एक्सटेंड करके जो मुझे काम दिया गया था उससे कई गुना ज़्यादा मैंने प्रोजेक्ट में सबमिट करके दिया। और जो कोड की लेंथ की मैंने आपको बात की थी कि मैं पहले दिन पे 6 लाइन भी नहीं लिख पाया था, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ माय प्रोजेक्ट वाज मोर देन 1500 बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। आई नो जो भी प्रोफेशनली अभी कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट कंसिडरिंग माई बैकग्राउंड दैट वॉज अ ह्यूज डील। कोडिंग से भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे घटिया लगती थी वो था टाइपिंग, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैड टू डू नेक्स्ट। मुझे ये पूरा मोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करना था और जिसके दौरान मेरा पेशेंस बिल्कुल गिव अप हो गया। मैम की बहुत डांट खाई उस वक्त कि इतना आलसी कैसे हो सकता है, ये अलाइनमेंट तेरा ठीक नहीं है कहीं पे, फॉन्ट की साइज़ कहीं किसी पेज पे कुछ और है, किसी पेज पे कुछ और है, तो आगे जाके अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो ये सब तो चलेगा ही नहीं, सीखना पड़ेगा। और तब तंग आके मैंने मैम के साथ पहली बार शेयर किया था कि मैम ये सब मेरे काम में नहीं आने वाला, मैं म्यूज़िक करने वाला हूँ, ये सब बोरिंग काम मुझसे नहीं होने वाले। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट कॉलेज में जो मेरे प्रोफेसर थे ही अवॉर्डेड मी 89.6% इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसरो से निकलते वक्त मेरी मैम से मुलाकात नहीं हो पाई थी बिकॉज वो छुट्टी पे थे जब मेरे प्रोजेक्ट के आखिरी के 3-4 दिन थे तब। लेकिन उसके एग्जैक्टली 6 साल बाद मैम का मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज आया कि थोड़े दिन पहले तुझे रेडियो पे सुना, सो यू फॉलोड योर हार्ट, वेरी हैप्पी टू सी योर अचीवमेंट्स। शायद आपको बहुत छोटी बात लगे लेकिन ये छोटे इंसिडेंट्स ही मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे वैल्यूएबल पोजीशन है। और मैम अभी भी मेरे टच में है। सो नविता मैम, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन इस वीडियो के जरिए एक और इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं इसरो का चंद्रयान 2 मिशन एक क्रिटिकल फेज के थ्रू गुजर रहा है। हमारे साइंटिस्ट विक्रम लैंडर के साथ कम्युनिकेशन री एस्टैब्लिश करने का ट्राई कर रहे हैं। सो टुगेदर लेट्स जस्ट प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 2 मिशन एंड ऑल द अदर फ्यूचर मिशंस ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। बी गुड, डू गुड, सेरेंडिपिटी विल फॉलो।